जय मसीह की। दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है नीति वचन की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 13वां वचन। वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार तथा बुरी बात और कुटिल बातों से मुझे घृणा है। धन्यवाद पिता, तेरे पवित्र सामर्थ्य वचन में अद्भुत शिफा है। वचन क्या बताता है दोस्तों हमें? वचन हमें बताता है कि अगर हमारे अंदर घमंड है, अगर हमारे अंदर अहंकार है, अगर हमारे अंदर स्वार्थ है, अगर हमारे अंदर लालच है, व्यभिचार है, बुरी बात है, तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। यस, अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो आपको अपने आप को जांचना है कि आपके अंदर कहीं भी कहीं कोई लालच, कोई स्वार्थ, कोई घमंड, कोई व्यभिचार, कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका भय हमारे जीवन में काम करे, उसका भय हमारे जीवन में रहे, ताकि हम उसके बन के रह सकें। यहोवा का भय हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के लिए समर्पण। इब्राहिम ने परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारा, और जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने पुत्र इसहाक की बलि दे। मेरे दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा दान परमेश्वर उससे मांग रहा था। 100 साल के बाद उसे एक संतान हुई, और परमेश्वर उस संतान को, उसके जिगर के टुकड़े को उससे मांग रहा था। हम अपनी छोटी सी चीज़ परमेश्वर को देने के लिए रुक जाते हैं। हम अगर दान दशांश भी देते हैं तो उस लिफाफे पर अपना नाम लिखते हैं कि वो नाम पास्टर के पास जाए और उसको पता लगे कि मैंने दान दिया है। दोस्तों, लेकिन इब्राहिम, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करने के लिए इमीडिएट उसने कहा, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तू बता मुझे कहाँ आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर था। परमेश्वर का भय हमें क्या सिखाता है? आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। व्यवस्था वरुण 6:2 कहता है कि अगर हम उसकी भय में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हमें दीर्घायु प्राप्त होगी। हालेलुया। भजन संहिता 86:11 क्या कहता है कि मुझे एक चित्त कर कि मैं तेरे भय को मानूं। परमेश्वर के भय को मानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें एक चित्त होना बहुत ज़रूरी है। हमारा चित्त दोस्तों शैतान बिखराना चाहता है, हमारे चित्त को शैतान बिखराना चाहता है, और वो गलत तरीके से हमारे जीवन में उस सुख को लाना चाहता है जो हमारे चित्त को हमसे जुदा कर देता है। हमारी परेशानियां, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतें हमारे चित्त को परमेश्वर से दूर करती हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का भय हमारे अंदर अगर होगा तो हमारा चित्त एक रहेगा। अगर हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार ही तो हम जिंदा हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार ही तो हम आशीष पाए हुए हैं। हालेलुया। हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे साथ है तो उसका भय भी हमारे अंदर होना चाहिए। हर काम करने से पहले, हर बात सोचने से पहले, हर बात अपने मुंह से निकालने से पहले हमें परमेश्वर के भय में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि कोई है दूसरा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे अलग नहीं है, हालेलुया, जो मेरे विरुद्ध नहीं है वो मेरे साथ है, उसको निकालने दो, उसको काम करने दो। किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। अगर आप किसी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, अगर आपकी गवाही से कोई भाई कोई बहन ठोकर खाता है, तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि आपके गले में पत्थर का पाट डालकर आपको समुद्र में डाल देना चाहिए। बहुत घिनौनी चीज़ है कि हमारी वजह से किसी को ठोकर मिले, हमारी वजह से कोई भाई कोई बहन परमेश्वर से दूर हो जाए। नहीं, इसीलिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बहुत 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 अहमियत रखता है। हमें परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारना है। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। बुराई अगर आपके जीवन में आ रही है, आपके विचार आपकी बुराई को लेकर आते हैं, आपका स्वार्थ आपकी बुराई को लेकर आते हैं, आपका घमंड आपकी बुराई को लेकर आता है, ये सारी चीज़ें अगर बुराई ये आपके जीवन में आ रही हैं, तो परमेश्वर का भय आपके जीवन से जा रहा है। आप खतरे में हैं मेरे भाई। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के भय के अनुसार हमें अपने जीवन को गुजारना है। हर वो काम
हर वो काम जो हमारे जीवन में हो रहा है या होने वाला है वो हमें परमेश्वर के भय के अनुसार ही करना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे मन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम लाएं, हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजारें, क्योंकि वही है जो हमें रक्षा देता है, वही है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, वही है जिसके अनुसार हम चलें, जिसके अनुग्रह के अनुसार हम इस समय जीवित हैं। इसलिए उसका भय होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के भय में ना हो। हमारा हर काम परमेश्वर के भय के अनुसार हो, कि जो काम परमेश्वर को अच्छा ना लगे हम वो काम ना करें। चाहे कोई भी सुख हो, चाहे कैसी भी बुद्धि हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन परमेश्वर के भय के अनुसार ही हम अपने जीवन को जिए। आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ और तेरे भय के अनुसार मेरे भाई चलें, सुख पाएं, आशीष पाएं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।